वहीं कोरिया एनसीबी जिले के बिजली सब स्टेशनों में काम करने वाले करीब 100 ऑपरेटरों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला है। इससे ऑपरेटर आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। परेशान ऑपरेटरों ने बिजली विभाग को सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी है। ऑपरेटरों ने काम बंद किया तो 24 से ज्यादा सब स्टेशन में काम प्रभावित होगा। बता दें कि जिले में सब स्टेशनों का संचालन ठेका माध्यम से हो रहा है। ठेकेदार के ऑपरेटर बिजली सब स्टेशन का संचालन करते हैं। वहीं ऑपरेटर के अनुसार ठेकेदार ने पिछले 3 माह से वेतन नहीं दिया है। मामले में बिजली विभाग के अधिकारी भी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। वहीं वेतन नहीं मिलने से ऑपरेटर के समक्ष रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। इससे परेशान होकर ऑपरेटरों ने सामूहिक छुट्टी पर जाने की चेतावनी दी है। कोरिया से विशाल सिंह की खास रिपोर्ट। एक्चुअली में ये काम पेमेंट जो है ठेकेदार के थ्रू होता है इनको, क्योंकि ठेकेदार के अंदर में है और ठेकेदार का कुछ कारण होगा हमको से नहीं बताया। हमने उनसे चिट्ठी पत्र की थी, उनसे जवाब तलब भी मांगा था। ये लेवल ऊपर लेवल में भी बात बताई कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, अब इनके द्वारा अवगत कराया गया। उसके बाद में यहाँ से जो है इनको पेमेंट करने की प्रक्रिया अपने, वो अगर ठेकेदार नहीं कर पा रहा है तो कंपनी से करवाने के लिए प्रक्रिया के थ्रू नोटिस भेजे थे, उनको अप्रूवल मिल गया है और यहाँ से अपने कंपनी को उनको पेमेंट करवाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। सप्ताह भर के अंदर में उनको पेमेंट उसके करवा देंगे, जिनका 2 महीने का जो बाकी 2 महीने का है, बाकी का अभी उनसे बातचीत ऊपर लेवल से हो रही है। अब क्या वहाँ से निष्कर्ष निकलता है ठेकेदार और अपने कंपनी के बीच में, उसके बाद आगे को देखेंगे क्या होता हो सकता है। बाकी ये है कि उनको पेमेंट देने की गारंटी हमारी है। अगर ठेकेदार नहीं करता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको पेमेंट अपनी कंपनी से करवाएं, लेकिन ये है कि प्रक्रिया में लगता है थोड़ा टाइम। इस कारण से हम कंपनी तरफ से इसलिए भी लेट हो रहे हैं, क्योंकि प्रक्रिया में थोड़ा सा लगता है टाइम हर जगह प्रोसेस में। जी, मैं सब स्टेशन ऑपरेटर, 3 महीने से हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है, न विभाग की तरफ से न तो ठेकेदार की तरफ से। 1 साल का बोनस नहीं मिला है, उसके लिए हम लोग आज एसी साहब को लेटर देने आए थे। बस हमको आश्वासन मिल रहा है, ना हमको पेमेंट मिल रहा है, बस काम करे जाओ, पेमेंट की बात मत करिए। 8-8.5 हज़ार में काम करवा रहे हैं, उसके बाद भी हमको आज 4th महीना खत्म होने जा रहा है 2-3 दिन बाद। परिवार चलाना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्या परिवार के सामने आर्थिक परेशानियाँ आ रही हैं, क्या पैसे के बिना किसका घर चलता है? जब किसी का नहीं चलता तो हमारा कैसे चलेगा? 1 महीना 2 महीना पेमेंट की उम्मीद सब करते हैं, 2 महीना नहीं मिलता है, हम अपना व्यवस्था कहीं ना कहीं से करके चलाते रहते हैं। और जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है, वैसे वैसे तकलीफ हम लोग को बढ़ते जाता है, लगभग सभी लड़कों का, मेरा एक व्यक्तिगत नहीं है। और मनेरनगढ़ का हो गया, आपका बैकुंठपुर हो गया, सूरजपुर हो गया, कहीं भी पेमेंट का भुगतान नहीं हुआ है। कुछ लोग समस्याएं खुलकर बोल देते हैं, कुछ लोग शायद नहीं बोल पाते हैं।